पंजाब रेडा हाई कोर्ट हमें न्याय देगा। अरे जज तो बाद में देगा, पहले वकील जाकर अपनी मुसर मुसर कर देता है, जाकर उसके जो जज का रीडर होता है उसके कान में, तो बाद में मालूम होता है कि जज के रीडर ने क्या बोला था जज को। नमस्कार साथियों, मैं राजीव गोदारा आज आपसे एक विषय पर बात करना चाहता हूं, और वो विषय है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील कल भी हड़ताल पे थे, आज भी हड़ताल पे हैं, शुक्रवार को भी हड़ताल पे थे, और अभी हड़ताल चलने वाली है ऐसा दिख रहा है। तो आपके मन में भी सवाल उठता होगा जब ये खबर पढ़ते होंगे कि आखिर वकील हड़ताल पे हैं क्यों। तो बस वही बात आपसे करना है। हुआ ये है कि हरियाणा सरकार के निवेदन पर केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा कि हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, यानी एक ऐसा ट्रिब्यूनल जिसके सामने हरियाणा सरकार के जितने कर्मचारी हैं, बोर्ड कॉरपोरेशन के जितने कर्मचारी हैं, उन सब के केस वो ट्रिब्यूनल सुनेगा। अब ट्रिब्यूनल में कौन बैठेगा? ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज बैठेगा, उसके साथ एक गैर न्यायिक यानी कि नॉन जुडिशियल अधिकारी बैठेगा, और इनकी नियुक्ति करने में सरकार का बड़ा हाथ होगा। अब सरकार का हाथ जब इनको नियुक्त करने में होगा, और जो व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद जज रहे, हाई कोर्ट का जज रहा और रिटायर हो गया, और उसके बाद भी पोस्टिंग चाहता है, नौकरी करना चाहता है, उसको सरकार की मदद से ही नौकरी मिलेगी। तो अब सोचिए, जो कर्मचारी हरियाणा के अदालत में आते थे सरकार के फैसलों के खिलाफ, अदालत में उनको न्याय मिलने की एक उम्मीद होती थी। बहुत सारे मामले जहां दुर्भावना से ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को प्रमोशन नहीं दिया, बिल्कुल ऐसे मामले होते थे जहां सरकार या सरकारी अधिकारियों की दादागिरी होती थी, सरकार उसको सुनती थी, स्टे करती थी, रद्द कर देती थी। अब क्या होगा? अब ये सब मामले वहाँ जाएंगे ट्रिब्यूनल के सामने,